स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल कॉन्सेप्ट गुरु में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे रीजनिंग का टाइप नंबर 4। इसके पहले के मैंने तीनों पार्ट को जिक्र कर दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के उसे देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन रहने वाला है, तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है ये वीडियो, इसलिए वीडियो को प्रारंभिक से लेकर के अंत तक देखें। और एक आप सभी को बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद जिन्होंने आप लोग हमें सपोर्ट करके हमारे चैनल को और अपने परिवार को 1000 में पहुंचा दिया। 4 अंकों के आंकड़ा को छूने के बाद हमने YouTube को मेल कर दिया है, जैसे ही वहां से अप्रूवल मिलती है हमें, हम लाइव क्लास के साथ आप लोगों के साथ समक्ष प्रस्तुत होंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हुए देखते हैं आज की रीजनिंग के टाइप नंबर 4 की बात। सबसे पहले हमें चीज़ों को समझना होता है कि इसमें सीरीज कैसे दिया है। देखिए, एस और टी यहाँ से +1 कर दिया है, अब यहाँ पर हम डिजिट के साथ डिजिट नहीं लिखेंगे। ठीक, एस में टी ऐड किया यानी कि +1 ऐड किया है, तो डी में +1 करेंगे तो हमें ई मिल जाएगा। मैंने बेसिक रूप से बता रखा है, जिनको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रही होगी आप पहले वाला वीडियो देख सकते हैं। देखिए, यहाँ पर सी है और यहाँ पर सी है, यानी कोई चेंजिंग नहीं है, तो आई के साथ भी हम कोई छेड़खानी नहीं करेंगे और आई को हम आई वाई सी छोड़ देंगे। ठीक, यहाँ पर R है और यहाँ पर Q है, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पहले Q आता है 17 नंबर पे, R आता है मेरे पास 18 नंबर पे, यानी 18 से जब हम 17 पे गए तो हमने -1 किया, तो G आता है मेरे पास, G के पहले कौन आता है, F आता है, तो इस तरह से हम क्या लिख देंगे वहाँ पर, F लिख देंगे, क्योंकि F 6 नंबर पे और G मेरा 7 नंबर पे आता है। राइट, अब यहाँ पर I है और यहाँ पर देखोगे आपकी I है, तो इस तरह से कोई चेंजिंग नहीं है, तो ई के साथ में भी हम कोई छेड़खानी नहीं करेंगे और ई को हम ई छोड़ देंगे। यहाँ पी है और यहाँ क्यू है, यानी पी 16 पे, क्यू 17 पे, +1 किया है, तो एस में +1 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, टी मिलेगा, और टी को एज इट इज लिख दिया है तो टी को भी हम एज इट इज लिख देंगे। तो इस तरह से राइट आंसर क्या निकल के आता है, ई आई एफ ई डबल टी होता है। तो चीज़ों को सबसे पहले समझना होता है और इसके रिगार्डिंग में जो भी क्वेश्चन होते हैं उसे हमें डील करना पड़ता है। तो वीडियो आज का बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है, इसलिए वीडियो को प्रारंभिक से लेकर के अंत तक देखने का प्रयास करें। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अब सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि क्लॉक को KCOLC लिखा जाता है, तो स्टेप्स को कैसे हम लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा बातों को, देखिए यहाँ से क्या दिया है कि सी, इसमें सी मिल रहा है, डबल सी है तो डबल सी इसमें भी मिल रहा है हमारे पास। ठीक, यानी सारे लेटर्स को एक दूसरे के साथ कंपेयर कर दिया है, कोई डाउट नहीं, उसी तरह से इसको भी हम कर देंगे, कोई डाउट नहीं। आगे देखिए, ये लास्ट वाले को ये फर्स्ट वाले में बना दिया, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ये सी को हम कर सकते हैं, ये वाला कर दिया। देखिए, आप लोग बोलिएगा कि ये सी को यहाँ पर किया होगा, तो आगे हम सीरीज के थ्रू इसे चेक कर लेंगे, अगर ये सीरीज ठीक है तो कोई बात नहीं, नहीं तो अगर गड़बड़ है तो इसे हम चेंज कर देंगे। ये ओ है तो यहाँ से देखिए ओ कर दिया, और ये एल है तो ये एल कर दिया, और इस तरह से सी है तो सी कर दिया, यानी मेरे पास मेरे ब्रदर सीरीज सा इसका मिल गया, यानी किया क्या, इसका फर्स्ट, इसका लास्ट नंबर और इसका फर्स्ट नंबर क्रिएट कर दिया। इसका लास्ट नंबर क्या है, एस है, तो एस लिख देंगे, पी लिख देंगे, उसके बाद ई लिख देंगे और टी लिख देंगे, और उसके बाद लास्ट में जो बचा मेरे पास एस, तो हम एस लिख देंगे, तो ये मेरा राइट आंसर हो जाता है। जैसे ये फर्स्ट वाला करता है वैसे हमको सेकंड वाला भी एजिटेज करना पड़ता है। तो आई होप कि आप इसे समझ गए होंगे। और हाँ फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लग रही होगी तो प्लीज़ इसे लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और फ्रेंड्स अगर हो सके तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या डिस्प्ले कर रहे हैं फ्रेंड्स कि S U R V I V E को V R I U V S E लिख देता है, तो मॉनसून को हम कैसे लिखेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या कि ये सर्वाइव का जितने भी इसमें लेटर्स हैं ये सारे में कॉमन हमें मिल रहे हैं, तो सबसे पहले इसका नंबरिंग चेक करना होगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, हमने S को एक नंबर दिया, U को दो नंबर दिया, ये अपने मान से हम दे देते हैं काउंटिंग कर करके, और इस तरह से टोटल 7 लेटर हैं, इसमें भी 3, 6 और 1 7 लेटर हैं। ठीक, अब यहाँ पर मेन चीज़ समझिएगा, हमने एस को एक नंबर दिया है तो इसमें भी हम एस को एक नंबर हम देंगे, कोई डाउट नहीं। यू को हमने दो नंबर दिया है तो यू जहाँ पे उसके नीचे हम 2 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। आर 3 नंबर पे है तो आर को हम 3 नंबर दे देंगे। भी मेरे पास 4 नंबर पे, तो ये मेरे पास भी को हम 4 नंबर यहाँ पर भी दे सकते हैं, या तो हम यहाँ पर भी दे सकते हैं, कोई डाउट नहीं। ठीक, आगे जब बढ़ेंगे तो आई को मेरे पास 5 नंबर देना है तो आई को हम 5 नंबर यहाँ पर दे देंगे। इस तरह से भी को हमें 6 देना है तो यहाँ पर हम भी को आसानी से हम यहाँ पर 6 दे सकते हैं, क्योंकि ए को हमने पहले, इसको पहले मैंने दे रखा है। ठीक,
अब आगे बढ़ेंगे तो ई, और ई मेरे पास कितने नंबर पे, तो 7 नंबर पे दिया है, तो ये 6 यहाँ पर हम नीचे लिख देते हैं। इस तरह से सीरीज क्या बनता है, 435, 261 और 7 बनता है, राइट। उसी तरह से जैसे ये लिखा है उसी तरह से हमको भी यहाँ पर लिखना है। एक नंबर ये हो गया, दो नंबर ये हो गया, तीन नंबर, चार नंबर, पाँच नंबर, छः नंबर और 7 नंबर, कोई डाउट नहीं, 7 लेटर है। इसमें क्या करेंगे, ये 4, ये सारे लेटर को हम डिजिट को लिख रहे हैं, 4, 3, 5, 2, 6, 1 और 7, राइट। चूंकि जैसे ये बोला है अकॉर्डिंग उसी के अनुसार हमको सेकंड को लिखना पड़ता है। तो 4 नंबर पे कौन है, एस है मेरे पास, तो एस डाल देंगे। 3 नंबर पे कौन है, एन है, तो एन डाल देंगे। 5 नंबर पे कौन है, ओ है, तो ओ डाल देंगे। 2 नंबर पे कौन है, ओ है, तो ओ डाल देंगे। 6 नंबर पे कौन है, ओ है, तो ओ डाल देंगे। और 1 नंबर पे कौन है, एम है, जबकि 7 नंबर पे देखा जाए तो एन है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, एस एन ट्रिपल ओ एम और एन, इसका राइट आंसर हो जाता है। तो आई होप कि आप इसे समझ गए होंगे और चीज़ों को सीखने का प्रयास कर रहे होंगे। तो अगर ये समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स तो अच्छी बात है, नहीं तो इसके अकॉर्डिंग में एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं जिस पर और थोड़ी बहुत हम चर्चा कर देंगे ताकि आप लोगों का और क्लियरिटी बढ़ जाए। और फ्रेंड्स जहाँ तक रही मैथ की सवाल, तो जैसे ही ये रीजनिंग का कोडिंग डिकोडिंग जो टाइप चल रहा है खत्म होता है, हम मैथ की सीरीज को स्टार्ट कर रहे होंगे। तो ठीक है, वीडियो में बने रहिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या डिस्प्ले कर रहा है कि जे यू डी आई सी आई ए और एल, अगर इसमें हम मिलाने की बात करें तो जे यू डी आई सी आई ए एल यहाँ पर मैच कर रहा है। ध्यान दीजिएगा बात को, यहाँ से जे यू को साथ में देख रहे हैं तो यहाँ पर हम जे यू को साथ में देख रहे हैं, कोई डाउट नहीं। यहाँ पर डी आई देख रहे हैं तो डी आई को भी हम साथ में देख रहे हैं, ठीक। सी आई है तो यहाँ पर देखिए सी और आई साथ में दिया है। ए एल की बात करें तो ए एल भी साथ में दिया हुआ है। पहला मैटर तो ये हो गया, दूसरा मैटर ये हो गया कि ये देखिए टोटल 2, 2, 4, 2, 6 और 2, 8 नंबर हैं, तो इसको हम जोड़ा के तौर पे कर सकते हैं। एक जोड़ा, दो जोड़ा, तीन जोड़ा और ये हो गया 4 जोड़ा, डाल भी देंगे। एक जोड़ा, दो जोड़ा, तीन जोड़ा और 4 जोड़ा, कोई डाउट नहीं। यहाँ से देखिए तो सबसे पहले जे यू, जे यू कहाँ पर है, यहाँ पर है, और यहाँ पर हम डाल देंगे एक नंबर, हम डाल देंगे, कोई डाउट नहीं। आगे जब बढ़ेंगे डी आई है और डी और आई हम जान रहे हैं कि यहाँ पर दिया हुआ है 2 नंबर पे। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जे यू था जबकि यहाँ पर यू जे था, और यहाँ पर डी आई था, यहाँ पर डी आई था जबकि यहाँ पर आई डी है। तो चीज़ों को हम लास्ट में पलट देंगे, कोई डाउट नहीं। थर्ड तीसरा नंबर की बात करें तो सी आई है और सी आई यहाँ पर मेरे पास 3rd नंबर पे है और चीज़ों को पलट दिया है। ए एल 4 नंबर पे है और 4 नंबर यहाँ पर हम दे देंगे। तो आई होप कि यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ पर ये एक नंबर डाल सकते हैं, यहाँ पर ये ओ आर के लिए 2 डाल देंगे, आई और ओ के लिए 3 नंबर डाल देंगे, जबकि यू और एस के लिए हम 4 नंबर डाल रहे होंगे, ठीक। अब यहाँ से हमें लिखना है किस फॉर्मेट पर, तो ये 4, 1, 3 और 2 इसी के फॉर्मेट पर हमें लिखना है। यहाँ देखिए 4 नंबर पे कौन आता है, यू एस आता है, और चीज़ों का यहाँ पर पलटा था तो हम भी चीज़ों को पलट देंगे। तो यू एस है, पलटेगा तो एस और यू हो जा रहा होगा। इस तरह से 4 मेरा फाइनल हो गया। अब बात करेंगे एक का, तो एक नंबर पे कौन है, जी और एल है, और चीज़ों को पलट दिया है तो एल और जी यहाँ पर हो जाता है। देखिए फ्रेंड्स ये बिल्कुल बेसिक रूप से हम बता रहे हैं, इतना नॉर्मल के बाद भी अगर समझ में नहीं आता है तो थोड़ा सा आप चीज़ों को अपने से भी कोशिश कर सकते हैं। तीसरे नंबर की बात करें तो आई और ओ है और यहाँ पर हमने पलट दिया था। तीसरे नंबर देखिए सी आई था जबकि आई सी लिख दिया है, तो आई ओ को हम पलट के ओ आई लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं। ओ और आई हमने लिख दिया, कोई डाउट नहीं। यहाँ पर अब लास्ट मेरे पास क्या बच जाता है, 2 नंबर बच जाता है, और 2 नंबर पर क्या होना है, ओ आर है। देखिए डी आई था, चीज़ों को पलट दिया था तो आई डी कर दिया था, तो ओ आर को जब था तो पलटेंगे तो आर और ओ बना देगा। R और O, इस तरह से राइट आंसर क्या निकल के आ जाता है, S U L G O I R और O आ जाता है। तो फ्रेंड्स बिल्कुल बेसिक रूप से बना रहे होते हैं तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। आप जब इसका प्रैक्टिस करेंगे और इसका जब हम सॉल्व आउट करेंगे शॉर्ट मेथड द्वारा, जब सेट प्रैक्टिस कराएंगे उसमें एक टाइम निकल करके, तो वहाँ पर आपकी स्पीड गारंटी की इंक्रीज हो जाएगी। चूँकि फर्स्ट टाइम में आपको चीज़ों को लर्न करना होता है, देन उसके बाद आपको प्रैक्टिस करके टाइम टेबल को मैनेज करना होता है। तो अगर आप चीज़ें समझ नहीं पाइएगा तो टाइम कभी मैनेज हो नहीं पाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
मैंने सेम जो जुडिशियल और ग्लोरियस वाला था उसी को हमने सेम लिया है, लेकिन पैटर्न हमने इस बार चेंज कर दिया है। हो सकता है कि आपको ऐसे भी एग्जामिनर पूछ दे। ठीक है, देखिए सबसे पहले कितने लेटर हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, इसमें भी टोटल 8 लेटर हैं, कोई डाउट नहीं। यहाँ पर चेक करेंगे तो भी 8 लेटर हैं, कोई डाउट नहीं। ठीक है, थोड़ा से टाइम को मैनेज करते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए जे यू है तो जे और यू तो साथ में है, कोई दिक्कत नहीं। डी आई है तो देखिए डी के आसपास कहीं भी आई नहीं है, आई सबसे लास्ट में लिखा है, यानी कि पेयर तो मेरे पास नहीं बन रही, ये तो कन्फर्म हो गया। तो यहाँ से क्या करेंगे मेरे भाई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 कर रहे होंगे। ठीक, अब यहाँ से देखेंगे तो जे मेरे पास एक नंबर पे, तो जे के नीचे हम एक डाल देंगे। दो है यू पे तो यू के नीचे हम दो डाल देंगे, कोई डाउट नहीं। डी थर्ड नंबर पे तो डी के नीचे हम थर्ड नंबर डाल देंगे। आई की बात करेंगे तो ये देखिए आई यहाँ पर हम फोर भी डाल सकते हैं या यहाँ पर भी हम डाल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फाइव नंबर पे सी है तो सी के आगे हम 5 लिख देंगे। 6 नंबर पे आई है तो यहाँ पर हम 6 भी लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं। ठीक, अब आगे जब चेक करेंगे तो 7 पर ए है तो ए है या तो यहाँ पर 7 डाल देंगे। एल मेरे पास 8 नंबर पे तो 8 यहाँ पर हम डाल देंगे। तो मेरे पास जो सीरीज क्या बना, 5, 3, 2, 1, 8, 7, 4 और 6 सीरीज यही बना। अब इसको हम लिखेंगे कैसे, तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8 नंबर हो गए। 5 नंबर पे कौन आता है, आई आता है तो यहाँ पर हम डाल देंगे आई। 3 नंबर पे क्या आता है, ओ आता है, आता नहीं है मतलब यहाँ इसके अकॉर्डिंग में दिया है, क्योंकि ओ तो इसे 15 नंबर पे आता है। 2 की बात करें तो 2 पे क्या लिखा है, एल लिखा है, तो यहाँ पर हम चीज़ों को लिख देंगे सेम। 1 नंबर की बात करें तो 1 पे क्या लिखा है, जी लिखा है, जबकि 8 नंबर की बात करें तो 8 पे क्या लिखा है, एस लिखा है। 7 नंबर की बात करेंगे तो 7 नंबर पे यहाँ पर यू हो जाएगा, जबकि आर सॉरी 4 की बात करें तो 4 नंबर पे आपके पास आर लिखा हुआ है, कोई डाउट नहीं। 6 नंबर की बात करें तो 6 नंबर पे मेरे पास ओ लिखा हुआ है। देखिए अब एक चीज़ यहाँ पर हम ये क्लियर कर देंगे कि यहाँ पर 4 और 6 था, तो हो सकता है इसके लिए भी 6 हो, इसके लिए भी 4 हो, तो चीज़ों को आप ऑप्शन से वहाँ पर मैच कर सकते हैं। आपके पास ऑप्शन में एक ही नंबर्स वैसे दिए होंगे और जो ऑप्शन मैच करेगा वो मेरा राइट आंसर हो जाता है। तो इस तरह से इस प्रश्नों को देखने के बाद हमें ऑप्शन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ से राइट आंसर क्या निकल के आता है, आई ओ एल जी एस यू आर और ओ निकल करके आता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एल ई ओ पी ए आर और डी बोल रहा है, इसके लिए क्या लिखा है, डी आर ए पी ओ ई एल लिखा हुआ है। ध्यान दीजिए बातों को, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इतना दिया है, 3, 2, 6 और 1, 7 इसमें भी दिया है, यानी लेटर तो मेरे पास इक्वल है, कोई डाउट नहीं। यहाँ देखिए एल इसमें भी, एल इसमें भी, ई इसमें भी, इसमें भी है, ओ है, ओ है, पी है, इसमें भी पी है, ए है और ए भी है, आर और आर, डी और डी, सेम एज इट इज लिख दिया है, बस प्लेस का इंटरचेंजिंग किया हुआ। देखिए ये डी को हम फर्स्ट वाले को लास्ट पे लिख सकते हैं या लास्ट वाले को फर्स्ट पे लिख सकते हैं, ये फर्स्ट तो ये लास्ट और ये लास्ट तो ये फर्स्ट, तो आर यहाँ लास्ट था तो यहाँ पर हमने आर लिख दिया, कोई डाउट नहीं। यहाँ आर था और यहाँ पर आर था, यानी इसका सेकेंड लास्ट और इसका सेकेंड बना दिया है। अब ये मत देखिएगा कि ये आर को दूसरे नंबर पे लिखा है तो ये आर को हम दूसरे नंबर पे लिखेंगे, ऐसा गलत हो जाएगा। ये देखिए डी लास्ट में था तो इसको पहला बना दिया, ये लास्ट में था तो इसको हम पहला बना दिए। ठीक, आर सेकेंड लास्ट नंबर पे था तो इसको सेकेंड नंबर बना दिया, तो इस तरह से यहाँ पर क्या आ जाएगा, ओ आ जाएगा। ए लास्ट से थर्ड नंबर पे तो शुरुआत से थर्ड नंबर पे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, टी निकल करके आ जाएगा। उसके बाद देखिए सेम एज इट इज लिख दिया है, तो यहाँ से टी हो जाने के बाद हम लिखेंगे क्या, ए, और ए के बाद हम क्या लिखेंगे, जी, जी के बाद क्या लिखेंगे, पुनः हम ध्यान दीजिएगा बात को, 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 लेटर हो गए। उसके बाद हम आई लिख देंगे, आई के बाद मेरे पास एल बचे तो एल लिख देंगे, और फिर हमने ए को बचा था तो उसे लिख दिया। तो इस तरह से राइट आंसर क्या हो जाता है, आर ओ टी ए जी आई एल और ए हो जाता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में। अगर पसंद आई होगी तो इसे लाइक करना और अपने मित्रों के पास शेयर करना बिल्कुल ही ना भूलें, और जैसे ही लाइव क्लास का अप्रूवल हमें मिलता है हम लाइव क्लास बहुत जल्द आपके सामने समक्ष कर रहे होंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि आप समझ गए होंगे, और एक कमेंट करके अपना फीडबैक देना ना भूलें। अब आगे की वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।